अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अज़ीज़ तुलबा तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं सातवीं जमात का। आज हम जो सबक नंबर 6 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है कुव्वत नुमा। क्या है कुव्वत नुमा? जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडाइसिस। क्या कहते हैं? इंडाइसिस। जिसका लेक्चर नंबर 1 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर कुछ बुनियादी बातें उसको हम सीखेंगे। यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 में कुछ बुनियादी बातें हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 की कुव्वत 8, 2 की कुव्वत 8। तो जो ऊपर का 8 है ये उसको कुव्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? कुव्वत। और इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स। और जो 2 है उसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं कायदा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है वो कायदा है और 8 जो है कुव्वत है। 2 जो है बेस है और 8 जो है इंडेक्स है। तो 2 की कुव्वत 8, 2 की कुव्वत, इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। अब 2 की कुव्वत 8 जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक मिसाल दी हुई है कि 2 की कुव्वत 5। तो प्यारे बच्चों, इसको लिखते किस तरह, इसको हम सीखेंगे यहाँ पर। तो 2 की कुव्वत 5 को इस तरह से लिखेंगे, 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2। 2 को 5 मरतबा ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, 2 को 5 मरतबा जो है वो ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे। अगर हमको इसकी वैल्यू मालूम करना है, इसकी कीमत मालूम करना है, तो हम 2 दुए 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32, तो हमको जवाब मिलेगा 32। क्या मिलेगा? 32 जवाब आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में एक मिसाल और दी हुई है, 5 की कुव्वत 4, 5 की कुव्वत 4। तो हम 5 को 4 मरतबा ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे, 5 ज़र्ब 5 ज़र्ब 5। ठीक है, अब हमको इसकी वैल्यू मालूम करना है, इसकी कीमत मालूम करना है, ज़र्ब करेंगे, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। ठीक है, 125 को अगर हम 5 से ज़र्ब देते हैं तो 5 5 25 के 5 हासिल है 2, 5 2 10 और 2 12 के 2 हासिल है 1, 5 1 5 और 1 6। ठीक है, तो 625 इसका जवाब आएगा। ठीक है, 625 इसका जवाब आएगा। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो नीचे का 2 है वो बेस रहता है और ऊपर जो रहता है उसकी कुव्वत रहती है। कुव्वत को इंग्लिश में इंडेक्स से बोलते हैं और 2 को इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के ऊपर पूरा हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है। अब किताब के अंदर जो एक कुछ कॉलम दिए हुए हैं, कुछ कॉलम बने हैं जिसमें 5 चीज़ें दी हुई है, 5 चीज़ें। तो यहाँ पर 5 उसके अंदर मिसालें, हम 2 मिसाल यहाँ पे आपको हल करके बताएंगे, बाकी 3 मिसालें आपको हल करना रहेंगी। जिसमें कहीं पर कुव्वत नुमा दिया रहेगा तो हमको कायदा मालूम करना है, कुव्वत मालूम करना है, ज़र्बी सूरत क्या है, उसकी वैल्यू क्या आएंगी वो मालूम करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है 3 की कुव्वत 4, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम 3 रेस टू 4, 3 रेस टू 4। ठीक है, 3 रेस टू 4 इंग्लिश में कहेंगे और उर्दू में कहेंगे 3 की कुव्वत 4। तो हम उसका जो कायदा है, कायदा यहाँ पर 3 आएगा, ये कायदा है, और उसकी कुव्वत जो है वो 4 है, कुव्वत 4 है। और ज़र्बी सूरत क्या है कि 3 को 4 मतलब हम ज़र्ब करें, 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3। ठीक है, अब 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो इसकी वैल्यू आएंगी 81। कितने आएंगी? 81 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरी मिसाल दी है 16 की कुव्वत 3, 16 16 रेस टू 3, 16 रेस टू 3। तो 16 इसमें कायदा है, ठीक है, और कुव्वत कितनी है? 3 है, और ज़र्बी सूरत, तो 16 को 3 मरतबा ज़र्बी की सूरत में लिखेंगे, 16 ज़र्ब 16 ज़र्ब 16। तो 16 का मुरब्बा जो आता है 256 आता है, 16 को 16 से ज़र्ब देंगे तो 256 आएगा, 256। और फिर उसको 16 से ज़र्ब देंगे हम तो 16 छक्के 96 के 6 हासिल आए 9, 16 5 80 और 9, 89, 89 के 9 हासिल आए 8, 16 2 32 और 8 40। तो 4096 इसका जवाब आएगा। ठीक है, हाँ, 4096 इसका जवाब आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कम से कम जो है 20 तक पहाड़े अजबर याद होना बहुत ज़रूरी है। 20 तक आपको पहाड़े याद होना चाहिए, 20 तक मुरब्बी अदद याद होना चाहिए, और 20 तक जो है मकबी अदद भी याद होना चाहिए, ताकि आपको सॉल्व करते वक्त इस तरह से आपको सॉल्व करना ना पड़े, आप डायरेक्ट उसको हल कर लेवे, आपका टाइम बचेगा एग्ज़ाम के अंदर, जितना टाइम बचेगा उतना आपको ज़्यादा मार्क्स कवर करने में उसको आसानी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 दिया हुआ है। यहाँ पर जो है ये सवाल, ये मशकी सवाल का नंबर 1 था, ये जो सवाल नंबर 1 था, ये मशकी सवाल जो है ना उसका सवाल नंबर 1 था ये। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 दिया, कीमत मालूम करो। कीमत 2 की कुव्वत 10, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे 2 रेस टू 10, 2 रेस टू 10।
10, ठीक है। तो दो की कुव्वत 10, यहाँ पर हमको दो को 10 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखेंगे। दो ज़रब, दो ज़रब, दो ज़रब, दो ज़रब, दो ज़रब, दो ज़रब, दो, इतना वो 2, 4, 6, 7 ज़रब, दो ज़रब, दो ज़रब, दो, ठीक है। ये 10 मरतबा हमने लिखे, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब कीमत मालूम करने के लिए बोला गया यहाँ पे, तो हमको कीमत मालूम करने, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 2 256 512 512 2 1024, ठीक है। 512 2 1024, तो 1024 इसकी कीमत रहेगी। समझ में आया प्यारे बच्चों? हाँ, हमने पूरा कीमत मालूम करने के लिए पूरा ज़रब का अमल किया यहाँ पर। अब दूसरी मिसाल दी हुई है 5 raised to 3, 5 की कुव्वत 3, तो हम 5 को जो है 3 मरतबा ज़रब देंगे। 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25 25 बन जाए 125, तो 125 हमारा जवाब रहेगा, 125 हमारा जवाब रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही? बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बस। हाँ, यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 में सभी बुनियादी बातें बताई गई है, आगे हम बहुत सारी चीज़ों के सबक में सीखने वाले हैं। अब तीसरी मिसाल है 7 की कुव्वत 4 -7 raised to 4 -7 raised to 4, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, -7 ज़रब -7 ज़रब -7 ज़रब -7, ठीक है। अब यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पर तो नफ़ी की कीमत आ जाए, तो नफ़ी का इतना टेंशन लेना नहीं है, नफ़ी की इतनी टेंशन लेना नहीं है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 77 49, ठीक है, 77 49, उसके बाद में 49 7 7 49 ज़रब देंगे, 7 9 63 के 3 हासिल आए, 6 7 4 28 और 6 34, तो 343, 343 को फिर 7 से तकसीम करें ज़रब देंगे, 7 21 के 1 हासिल आए, 2 7 4 28 और 2 30 के 0 हासिल आया, 3 7 21 और 3 24, 2401, ठीक है, 2401। अब प्यारे बच्चों अगर गौर करना है हमको, यहाँ गौर करेंगे तो ये ज़रब के बीच में माइनस माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमको जवाब मिलेगा, वो जवाब हमको मिलेगा प्लस में मिलेगा, ठीक है, जवाब जो हमको प्लस में मिलेगा। तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारे कुव्वत नुमा के बारे में जो है बुनियादी बातें मालूम करी, उसको सीखा, और कुव्वत किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने मालूमात हासिल किए। तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 1 जो हमारा वो यहीं पर ख़त्म होता है, आइंदा लेक्चर नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।